हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। तो आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। तो इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है वो मुफ्ती तारिक मसूद और इसी के साथ साथ शाहिद अनवर वाला जो सारा सीन है उसी सबके रिलेटेड है। कल शाहिद अनवर का मुफ्ती तारिक मसूद को जो रिप्लाई वगैरह था वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन यार वो शाहिद अनवर का जो रिप्लाई था वो रिसेंटली काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। उसी के ऊपर रिसेंटली मथीरा ने भी रिएक्ट किया है। मथीरा ने रिएक्ट करते हुए लिखा, दिस इज सो सैड, यू सिट इन दुबई एंड स्वेयर द पुअर, इतना गुरूर, अल्लाह को भी नहीं पसंद। दिस बॉय नीड्स टू काम डाउन, वेयरिंग द पुअर द लेस फॉर्च्यून, कॉलिंग देम नेम्स ओनली मेक्स यू इनह्यूमन, प्लीज लर्न टू रिस्पेक्ट टाइटल मुफ्ती। आप लोग मथीरा की बात से एग्री करते हैं नहीं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार हमारी जो अगली न्यूज है वो वकार जका से रिलेटेड है। रिसेंटली वकार जका ने पाकिस्तान में जो क्रिप्टो गुरुज बने फिरते हैं उनका पर्दाफाश करते हुए एक वीडियो शेयर की है और उन्होंने अपनी अचीवमेंट दिखाते हुए बताया कि पाकिस्तान का कोई भी क्रिप्टो गुरु जो है वो अगर आपको ये चीजें दिखाए तभी आप उनकी बात मानो, नहीं तो वो सारे आपका पैसा लूटने के चक्कर में। वकार जका सबके रिलेटेड क्या बात वगैरह करते हैं उनकी वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी, कोई भी क्रिप्टो का गुरु अगर आपके सामने बोल रहा हो जी मुझे बहुत बड़ा काम आता है, मेरा दुनिया भर में नाम है, तो आपने बोलना है भाई दुनिया की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में कभी बुलाया है? पैसे देकर नहीं, स्पॉन्सर बनके नहीं, क्या एज अ स्पीकर कभी बुलाया? ये देखे 2018 में वकार जका को बुलाया गया। इस वक्त कॉइन टेलीग्राफ जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पेड लिखा आता है नीचे अगर आप पैसे देके लिखवाएं कुछ भी। वहां पर वो क्या लिख रहे हैं? क्रिप्टो बिलियनियर। भाई ये जितने क्रिप्टो गुरुज हैं अगर इन्होंने पैसे बनाए होते तो इनको कॉइन टेलीग्राफ लिखता कि हाँ भाई ये बिलियनियर नहीं तो चलो मिलियनियर तो है ही। फीचर किया है किसी को? जब कोई फीचर ही नहीं हुआ यहाँ तो सिर्फ आप मासूम लोगों को टारगेट कर रहे हैं ताकि आपसे पैसे बटोरें। भाई इतने ही बड़े हैं तो इनको कोई दुनिया में बुलाता क्यों नहीं है? और फिर सबसे बड़ी बात है डेट देखें, 2018, जब इनको क्रिप्टो की अलिफ बे भी नहीं पता थी। ये जितने गुरु बनते हैं इनसे बोलो यार कभी 2018 में तेरी कोई पोस्ट है, कहीं तूने डाली वीडियो? ये सारे के सारे यूट्यूब से वीडियो उठाते हैं, आपको उर्दू में कन्वर्ट करके सुना रहे होते हैं और हीरो बन रहे होते हैं। ये जरा तारीख देखो नीचे क्या लिखी हुई है, 2018 में जाके वकार जका को बुलाया हुआ है। तो 2018 का मतलब ये है कि वकार जका 2014-15 से काम कर रहा होगा तो जब ही बुलाया होगा। तो मेरे भाई जिसको फॉलो कर रहे होते हो ये तो देख लो कि यूट्यूब से अंग्रेजी की कन्वर्ट की हुई वीडियोस बता रहा है तो खुद कोई कॉइन नहीं उठा रहा, तुम्हें बता रहा है वो कॉइन, खुद कोई ट्रेड खोल नहीं रहा। लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो चलो यार कोई नहीं, लॉस तो होता ही है, ऐसी बातें करके डाल दिया। सर मैं तो क्रिप्टो वगैरह नहीं करता, बकाया अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग वकार जका की बात से एग्री करते हैं या नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार हमारी जो अगली न्यूज है वो डकी भाई से रिलेटेड है। रिसेंटली डकी भाई ने जब अपने चैनल पे कुछ दिनों पहले लाइव स्ट्रीम की थी तो उसी लाइव स्ट्रीम में पाकिस्तान के कुछ ब्लॉगर्स वगैरह के रिलेटेड बात करते हैं जो कि अपने ब्लॉग्स में नमाजें वगैरह दिखा रहे होते हैं। इसी के साथ साथ लोग जो डकी भाई को हेट दे होते हैं कि आप अपनी व्लॉग में नमाज नहीं दिखाते हो, आप सिर्फ रोजा रखते हो वगैरह वगैरह, वो सबका भी रिप्लाई देते हैं। वो रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि वो रिलीजन को जो है वो अपनी डेली व्लॉगिंग वगैरह से बिल्कुल अलग रखते हैं। तो वो उसके रिलेटेड क्या बात वगैरह करते हैं उनकी स्ट्रीम का वो पार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यार ये चीजें आपका और अल्लाह का मामला होता है, मैं पब्लिकली आके फ्लेक्स नहीं करूंगा कि जी मैं इतने नमाजें पढ़ ली तो ये मैंने मैंने तू चाहे कुछ इतना मर्जी अच्छा हो लेकिन हमारे लिए तो हराम ही है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे व्लॉगर अपनी हर नमाज की अपडेट देते हैं, सही है, और नमाज पढ़ते वक्त रिकॉर्ड भी करते हैं अपने आप को, सही है। मैं ये चीजें दिखावे वाली होती हैं, अब लोगों को मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे, लेकिन तुम लोगों को ये शो करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी पढ़ता हूँ। और मैंने अभी तो मैं ये बात मैं दोबारा से कर दूं कि मैंने ये बात अभी ये बाबे से मैंने बोला, गबरू से बोला कि तू बता मैं क्या करता है। ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुम लोग आके मेरी इज्जत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे उसी तरह से रखो जो मैं यूट्यूब पे शो करता हूँ, जलील करो जैसे कि करते हो। हाँ जलील करो, खुल के जलील करो, सही है। मुझे उसका कोई नहीं चाहिए, वो मुझे उसका अल्लाह देगा और ना मुझे उसको दिखाना है। अब मैं कभी कभी अगर मैं बता दूं ना कि जी मैं नमाज ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा और अल्लाह का मामला है ना वो मैं पब्लिकली शेयर करके उनसे सिंपति ले रहा हूँ, ये फजूल काम होता है। हाँ ये मेरी थॉट है कि मैं अल्लाह को आगे करके लोगों से सिंपति ले रहा हूँ, समझ रहे ना। और लेकिन फिर लोग मुझे नीचे कहते हैं कि भाई रोजा रखना सिर्फ रोजा रखना नहीं होता, नमाज भी पढ़ लिया कर। भाई मेरे लैपटॉप के बैग के अंदर भी ना मेरे लैपटॉप के बैग के अंदर भी छोटा सा जानमाज है, सही है। क्या बात, तो ये मैं ब्लॉग के अंदर नहीं दिखाता खोल के दिए देखो मेरे लैपटॉप के बैग के अंदर जानमाज, तो ये है वो। तो डकी भाई किन पाकिस्तानी ब्लॉगर्स वगैरह के रिलेटेड बात करते हैं मुझे तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, अगर आपको हो तो आप लोग बता सकते हैं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो बाबा ओपी और मास सफदर से रिलेटेड है। और मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बासिल वाला जो सारा सीन था, जो बासिल को हेट वगैरह मिल रहा था, उस सब के रिलेटेड बता चुका हूँ। और उस सब के ऊपर मास सफदर का जो रिप्लाई वगैरह था वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ऐसे ही रिसेंटली बाबा ओपी जो है वो इसी सब के रिलेटेड अपनी रिसेंट लाइव स्ट्रीम में बात भी करते हैं, वो क्या बात करते हैं आप लोग खुद देख लें। मेरा तो इसके ऊपर ना एक ही है वो ओपिनियन, यार देखो अगर कोई ऐसा व्लॉग ना रहा लाइक यार अब उसकी जॉब है ठीक है, अब वो दिखाता है तो अब वो दिखाएगा नहीं यार, ये अपने लोगों का ना ये हिसाब है ट्रोल शोल, आप लोग इसे अच्छा ना देखो फर्क रहो क्यों भी चाहे आप एक चीज़ को देखो ही ना। ए यार बस इनका सीन पता क्या, नोनो देनी होती है इन्होंने, नोनो हर जगह में ना नोनो देनी होती है बस,
बुरा लिख देंगे हम लोग, ठीक है बुरा लिख देंगे भाई, बुरा लिख देंगे थोड़े से वो आ जाएगा, मजा आ जाएगा, चस्का आ जाएगा। सर बाबा ओपी की बात तो बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि यार अगर आपको किसी का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो यार उसका कंटेंट ना देखो, लेकिन उसको हेट कमेंट्स वगैरह ना करो। लेकिन हमारे यहाँ तो आवाम जिसका कंटेंट पसंद नहीं आता उसका कंटेंट देखते भी और उसी को ट्रोल करती भी है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारी आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। अगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार हमारी जो अगली न्यूज है वो उमर अकमल से रिलेटेड है। अगर आप लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बाबर आजम का कुछ टाइम पहले एक बयान आया था, जिसमें बाबर आजम कहते हैं कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उस वक्त शूज लेने तक के भी पैसे नहीं थे, और उन्होंने अपने किसी कजन से शूज मांगे थे तो उनके कजन ने जो है वो शूज उन्हें देने से मना कर दिया था। और उन्होंने जब ये बयान दिया था तो उसके बाद से लोग जो है वो सब यही गेस कर रहे थे कि उमर अकमल वो कजिन है, और उमर अकमल के ऊपर बिला वजह के काफी ज्यादा एलिगेशन वगैरह लग रहे थे। तो इसी सब के रिलेटेड रिसेंटली उमर अकमल जो है वो नादिर अली की पॉडकास्ट में बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं आप लोग खुद देख लें। आपने जैसे मेरे से ये सवाल किया, इससे पहले भी एक शो में मेरे से बात हुई थी जूतों की, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये उससे खुद आप पूछ लें, अगर वो ऑन कैमरा आके बोल दे कि यार मैंने उमर से मांगे थे तो मैं इसका देनदार होऊंगा, लेकिन आवाम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने से बातें ना, ये आधा सच भी बहुत मुश्किल हो जाती है भाई। तो अगर आपको इनकी ये पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो ट्रिगर्ड इंसान से रिलेटेड है। तो रिसेंटली ट्रिगर्ड इंसान ने सबको सरप्राइज देते हुए एक पिक्चर शेयर की जो कि उनकी शादी के रिलेटेड थी, और उन्होंने लिखा एंड इट्स फाइनली हैपेंड ब्लेस्ड। उन्होंने जब से ये पोस्ट शेयर की तो उसके ऊपर काफी ज्यादा बड़े बड़े इंडियन क्रिएटर जो है वो कमेंट कर रहे हैं लाइक सीरियसली आपने इतनी सरप्राइज में शादी कर ली और हमें किसी को पता भी नहीं है। और अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये अप्रैल फूल बना रहे हैं, लेकिन अप्रैल तो जाने वाला है, और बहुत सारे क्रिएटर जो है वो सरप्राइज भी हैं। और इसके रिलेटेड तो ना तो कोई आता था ना कोई पता, लेकिन अचानक ट्रिगर्ड इंसान ने अपनी शादी अनाउंस कर दी है। तो देखते हैं क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह इसके रिलेटेड भी निकल के सामने आती है। तो न्यूज वगैरह जो थी वो तो अब खत्म होती है, लेकिन यार आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे 20,000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और मजीद सब्सक्राइबर गेन करते रहेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। बकायर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।